बॉलीवुड में भले ही आम बोलचाल अंग्रेजी में होती हो, पर फिल्में तो हिंदी में ही बनानी पड़ती है ना। ऐसे में एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से साधारण सा दिखने वाले नौजवान के लिए सफलता की कहानी लिखना कितना मुश्किल रहा होगा। दोस्तों, ऑडिशन स्कूल से हम बोल रहे हैं चंदू, और चंदू करता है आप सबको प्रणाम। आज चंदू टॉकीज में हम दिखाने जा रहे हैं सुपरहिट पिक्चर आदिल हुसैन। आदिल हुसैन का जन्म 5 अक्टूबर को असम के ग्वालपारा में एक नॉन हिंदी स्पीकिंग फैमिली में हुआ। बचपन में बिहू फेस्टिवल के दौरान देखे गए एक नाटक से आदिल के मन में अभिनेता बनने की ललक पैदा हुई, जिसके प्रभाव में आने से आने वाले समय में उन्होंने नाटकों में जोर शोर से हिस्सा लेना शुरू किया। दिन प्रतिदिन बढ़ती अभिनय की भूख आदिल को दिल्ली स्थित एनएसडी ले आई। दिल्ली में एनएसडी के खुले वातावरण और भाषा की बाध्यता जैसी परेशानियों ने आदिल का स्वागत किया। हालांकि कुछ कर गुजरने की चाह और अच्छे शैक्षिक पृष्ठभूमि के चलते आदिल ने इन परेशानियों का खुलकर सामना किया। अपने शुरुआती चरण में भाषा की बाध्यता के चलते एनएसडी में होने वाले नाटकों में छोटे छोटे रोल्स करने वाले आदिल पर उनके गुरु रॉबिन दास ने भरोसा करके उन्हें अपने आने वाले हिंदी नाटक बागण बिल्ला में बड़ा रोल दिया। यहां से आदिल का हुनर खुलकर सामने आने लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदिल को उनके बेहतरीन अभिनय के चलते एनएसडी के बाद ड्रामा स्कूल लंदन में पढ़ने का मौका मिला। 1994 में वापस इंडिया आकर आदिल पूरी तरह से रंगमंच में फिर से सक्रिय हो गए। रंगमंच से आदिल का लगाव हमेशा की तरह बना रहा। धीरे धीरे आदिल के अभिनय की ख्याति मुंबई की तरफ बढ़ने लगी, और फिर पहली बार साल 2002 में उन्हें जासूस विजय नामक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला। हालांकि रंगमंच में पढ़ने पढ़ाने का काम अभी भी जारी रहा। आखिरकार बॉलीवुड में भी आदिल ने पहले कमीने फिल्म में एक छोटा सा रोल और फिर इश्किया फिल्म में एक महत्वपूर्ण रोल निभाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद चला फिल्मों का दौर, आज तक बदस्तूर जारी है। एंजली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई से आदिल को हॉलीवुड में भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आदिल की ये कहानी ऑडिशन स्कूल के पहले एपिसोड वाई एक्टिंग की ओर इशारा करते नजर आती है। एक्टिंग फील्ड में आने से पहले ये तय कर लेना होता है कि आप एक्टिंग करना क्यों चाहते हैं। जो लोग तैयारी के महत्व को नजरअंदाज करते हुए सीधे काम मांगना शुरू कर देते हैं, उन्हें आदिल हुसैन की इस कहानी से सीख जरूर लेनी चाहिए। ऑडिशन स्कूल पर आदिल हुसैन की ये कहानी आपका मार्गदर्शन करने में सफल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल फ्री रखा गया है मेरे भाई। आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपके सभी सुझाव और सवालों का हमेशा स्वागत रहेगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चंदू जल्द हाजिर होगा एक नई सुपरहिट पिक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय। अरे ओ आलसी महेंद्र, अरे वहां कोने में बैठे बैठे ऊंघते रहोगे कि सब सामान भी समेटोगे या ये भी अब हम ही करें? ओह नो।